सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि लगातार इस सरकार ने प्रावधानों के अंदर जन आकांक्षाओं के अनुरूप इजाफा किया है। इस साल का जो बजट है, जो 23-24 का प्रस्तुत किया है, 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट से अगर तुलना करेंगे तो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर में 9% की बढ़ोतरी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 10% की बढ़ोतरी है, सोशल वेलफेयर में 1% की बढ़ोतरी है, अर्बन डेवलपमेंट में 23% की बढ़ोतरी है, एग्रीकल्चर में 10% की बढ़ोतरी है, ट्रांसपोर्ट में 42% की बढ़ोतरी है और वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में 43% की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना। फिर किस आधार पर हम इस बजट की आलोचना करने की चेष्टा करते हैं माननीय सभापति महोदय? इतना ही नहीं, मैं आपके सामने ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि किस किस हेड में देश का राष्ट्रीय औसत क्या है और राजस्थान क्या कहां पर खड़ा है, कितना परसेंट पूरे देश के राज्य मिलकर के खर्चा कर रहे हैं एवरेज, और राजस्थान उस हेड में कितना खर्चा कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हेल्थ में पूरे देश के राज्यों का औसत है 6.3% और राजस्थान का है 7.4%। एजुकेशन में पूरे देश के राज्यों का औसत है 14.8% और राजस्थान का एवरेज है 19.5%। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अर्बन डेवलपमेंट में देश के राज्य का औसत है 3.5% और राजस्थान का औसत है 4.7%। तो इस तरीके से जो बहुत बुनियादी विषय है, जो जनोपयोगी विषय है, जो जनहित के विषय हैं, उन सब में राजस्थान कहीं बेहतर स्थिति में खड़ा हुआ है माननीय सभापति महोदय। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, एनर्जी में राजस्थान 9.8% पर खड़ा है जबकि राष्ट्रीय औसत है देश के राज्य का 4.8%। इसी तरीके से इरिगेशन के अंदर भी राजस्थान जो है वो राष्ट्रीय औसत के आसपास खड़ा है माननीय सभापति महोदय। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का जैसा मैंने निवेदन किया कि राष्ट्रीय औसत 3% है और राजस्थान 4% पे खड़ा है। माननीय सभापति महोदय, महंगाई को मुद्दा बना करके देश में सरकार बदली गई थी, वो स्मृति ईरानी सिलेंडर को 50 रुपए सिलेंडर पर बैठते थे और अपनी गोद में सिलेंडर को लेकर के बैठ जाती थी, और 2014 की वो चुनावी सभाएं इस सदन के सारे माननीय सदस्यों को याद होगी जब देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, भाइयों बहनों, ये किसान भाइयों, जो ये कर्जा आपका है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये नरेंद्र मोदी का कर्जा हो जाएगा। और वो भाषण का वीडियो कोई भी जाकर के मेरे फेसबुक पेज पर देख सकता है। माननीय सभापति महोदय, आज 9 साल हो गए देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी को आए हुए, लाखों करोड़ रुपए देश के पूंजीपतियों के माफ कर दिए, 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपति फ्रॉड करके चले गए, लेकिन किसानों को हितेशी बनने वाले, किसान सम्मान निधि पर रोज के 16 रुपए देश के किसान को देने वाले, 1 रुपया नेशनलाइज बैंक के किसानों का माफ नहीं कर सके माननीय सभापति महोदय। और इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत घटकर $124 प्रति बैरल से घटकर $75 हो गई, 40% की कमी हो गई, लेकिन क्या उसका लाभ देश की जनता को मिला? क्या उसके भाव उसके अनुरूप जो कम होने चाहिए थे हुए? सेस बढ़ाते रहे, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाते रहे
और वो लाखों करोड़ रुपया जो हिंदुस्तान सी जनता से इकट्ठा हुआ वो स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता, वो सारा पैसा भारत सरकार के खजाने में पड़ा रहता है। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट बोलिए, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय सभापति महोदय, आदर्श आदर्श सोसाइटी का और संजीवनी सोसाइटी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, लाखों परिवारों के पैसे उसमें फंसे हुए हैं। आज सहकारिता मंत्री के पद पर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह है, ये मल्टी स्टेट सोसाइटी है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इन मित्रों से सवाल करना चाहता हूं कि तुम्हारे 25 सांसद राजस्थान की जनता के जिता के भेजे, उनके पैसे का क्या होगा? उन 21 लाख लोगों के पैसे का क्या होगा? और सिर्फ इसलिए उसको बचा रहे हो कि वो आरएसएस से संबंधित है? उसके घर में आरएसएस का कार्यालय चलता था, आरएसएस के सारे प्रचारकों का खर्चा वो उठाता था, यहाँ तक कि कृपया समाप्त करिए। हम बोलेंगे क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? किसने अधिकार दिया इनको? बात करते हैं ये किधर से सुन रहे हैं? मजाक बना रखा है। बैठिए प्लीज। ये तो ये प्लीज बैठिए प्लीज। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, उनकी डायरी में एंट्री मिली है जिसमें बीजेपी को खर्चे के लिए पैसा दिया गया, उसका भी वर्णन है। श्री अविनाश गहलोत, सभापति महोदय एक्सपेंस कराइए। ये क्या बोल रहे हैं? अरे आप सरकार पैसा क्यों नहीं दिलाते हो? बैठिए प्लीज, बताइए इनको। बंद हो गया, आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, शुरू करिए आप। हो गया, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए आप प्लीज, बैठिए आप बोलिए।